नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग आईपीएल 2021 का दूसरा हाफ यूएई में खेला जा रहा है। हर एक मैच के बाद टीमों के बीच प्लेऑफ की रेस को लेकर लड़ाई रोमांचक होती जा रही है, लेकिन इस सीजन में आईपीएल के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। आईपीएल के रोमांच में बीसीसीआई ने एक और तड़का लगा दिया है। दरअसल इस सीजन में आईपीएल के इतिहास में पहली बार दो मैच एक ही समय पर खेले जाएंगे। आमतौर पर डबल हेडर यानी एक ही दिन में होने वाले दो मैच अलग अलग समय पर खेले जाते हैं, एक दोपहर बाद तो दूसरा शाम को शुरू होता है। लेकिन इस बार इस सीजन में लीग के आखिरी बचे दो मैच एक ही दिन में एक ही समय पर आयोजित होंगे। बता दें कि अब तक के नियमों के मुताबिक दोपहर का मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू होता है, जबकि दूसरा मुकाबला शाम 7:30 बजे से खेला जाता है। लेकिन इस बार बीसीसीआई ने किसी भी टीम के अनुचित लाभ को रोकने के लिए ये फैसला किया है। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने एक बयान जारी कर कहा है कि आईपीएल के इतिहास में पहली बार आईपीएल 2021 प्लेऑफ से पहले के आखिरी दो लीग मैच एक साथ खेले जाएंगे। कार्यक्रम के मुताबिक अंतिम दो मैचों में से एक में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना मुंबई इंडियंस और दूसरे में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा सत्र के लीग चरण के आखिरी दिन यानी 8 अक्टूबर 2021 को एक मैच दोपहर का और एक शाम का मैच होने के बजाय दोनों मैच एक साथ शाम 7:30 बजे से खेले जाएंगे। इसके अलावा आईपीएल में एक और बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आईपीएल के अगले सीजन से दो और नई टीमें जुड़ने वाली हैं। आईपीएल में शामिल होने वाली दो नई टीमों की घोषणा 25 अक्टूबर को होगी, जिसके बाद 2023 से 2027 सत्र के लिए मीडिया अधिकार की निविदा भी जारी की जाएगी। माना जा रहा है कि मौजूदा निविदा धारक स्टार स्पोर्ट्स के अलावा सोनी और जी भी बड़ी रकम के साथ इस बार बोली लगा सकते हैं। बता दें कि सोनी और जी एंटरटेनमेंट का विलय हो गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।